आपने भी लगाया हुआ होगा गुलदावरी घर पे। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक सिंपल सा ट्रिक शेयर कर रही हूँ, जो कि है पिंचिंग। पिंचिंग करना इसलिए भी ज़रूरी है कि प्लांट बहुत ही ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और पिंचिंग करने का फ़ायदा ये है कि साइड ब्रांचेस बहुत ही ज़्यादा आ जाता है और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छा होता है, दिखने में भी बुके की तरह लगता है। और जिसमें मैंने पिंचिंग नहीं किया है उसमें सिंगल स्टिक आया है और उसमें एक ही फ्लावर आएगा। ये देखिए सिंगल सिंगल स्टिक आ चुका है। अभी भी इसमें पिंचिंग कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करूँगी। और ये देखिए मैंने एक दो प्लांट में पिंचिंग नहीं किया है। ये पम का प्लांट है, ये बहुत सारा ब्रांचेस आ चुका है और ये सिंगल है। मैंने इसी तरह से एक दो करके छोड़ दिया है, किसी को सिंगल किसी को बहुत ही सारा प्लांट को मैंने पिंचिंग कर दिया है, एक दो को मैंने छोड़ दिया। जब आपका प्लांट इतना बड़ा हो जाए तो आप पिंचिंग कर दीजिए, 6 से 7 इंच का हो जाए तो आप पिंचिंग कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कीड़ा लग चुका है। तो इस तरह से समस्या में आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं और ढेर सारा फ्लावर आप दशहरा और दिवाली के बाद से फ्लावरिंग होना भी शुरू हो जाता है। और ये चलता है फरवरी मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग देता है। तो आप ज़रूर लगाइए। अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट भी कर रहे हो या गार्डनिंग करते हो तो लगाते होंगे, और स्टार्ट कर रहे हो तो अभी है टाइम, अभी भी टाइम है, लगा सकते हैं आप गुलदावरी की कटिंग से।